वेलकम टू माय मम्मा चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो व्यूअर्स, मैं आपके सामने अपनी नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बैगन की चटनी। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1.5 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई डाल देंगे और जैसे ही राई हमारा चटकने लगे, हम इसमें 1/2 कटोरी चने की दाल डालेंगे। साथ ही मैंने 2 कलियां लहसुन की डाली है। फ्लेम आपको लो रखना है और तेल भी जब हल्का गर्म हो तभी आपको ये चीजें इसमें डालनी है। साथ ही साथ मैंने यहाँ 2 रफली कटे हुए प्याज ले लिए हैं और 2 मिर्च तीखे के लिए। आप चाहे तो हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लाल मिर्च ले रही हूँ। इसे ढक के हम लो फ्लेम पे ही 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ मैंने बड़े साइज का बैगन लिया है जिससे हम भरता बनाते हैं। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे और ठंडा होने के लिए बैगन रख दिया है मैंने। साथ ही मैंने 2 टमाटर भी पकाए हैं जिसे मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ आप देख सकते हैं करीब करीब हमारा जो ये मिक्सचर है ये भून गया है। अब मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और एक बार फिर से इसको हम ढक के कुक कर लेंगे ताकि जो सॉल्ट का वाटर रिलीज हो वो अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए। मिक्सचर को आपको ठंडा कर लेना है और फिर इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के हम इसे पीस लेंगे। यहाँ मैंने बैगन के छिलके उतार लिए थे, टमाटर के भी छिलके निकाल दिए, 2 कच्चा लहसुन मैंने इसमें डाला है और इसको हमने ग्राइंड कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा चटनी हमारा बनके तैयार हो चुका है और इसमें हम ऊपर से तड़का लगाएंगे। दोस्तों ये डिश जो है बहुत ही अच्छी लगती है, इसे आप रोटी पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच सरसों के तेल में 1/2 छोटा चम्मच राई और करी पत्ता, साथ ही साथ चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डाल के इसमें हमने छौंका लगा दिया है। इस तरह से आप चटनी बनाइए और इसे रोटी पराठे के साथ एंजॉय करिए। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।